हेलो फ्रेंड, चावला स्टॉक मार्केट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करें एनसी रिसर्च के बारे में। धमाकेदार खबर, 5 मिनट पहले ट्रेडिंग विंडो हुई बंद। माय गॉड, अब होगा धमाका। ये वीडियो देख के खुशी से झूम उठोगे। एनसी रिसर्च है 29 सितंबर 2022 टेंटनैन। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास में एनसी रिसर्च का एक भी यूनिट है ना, इसकी ट्रेडिंग बंद हो गई है, तो भैया ये वीडियो ओनली आपके लिए। डायरेक्ट वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों देखो, दोस्तों अभी अभी ओपन मार्केट में कंपनी की तरफ से एक नोटिस आया, अभी अभी सीईओ का बयान आ गया कि क्या अपडेट आया, उस पर चलेंगे। लेकिन मैं बता दूं, आज 50 पैसे का हाई गया था और 45 पैसे का लो बना दिया। माई गॉड, 47 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। आखिरकार 50 पैसे का भी लेवल तोड़ दिया इस स्टॉक ने। देखो दोस्तों, मैं बता दूँ, आज इसकी क्लोज हो गई है विंडो, वो भी देख लेंगे कैसे। लेकिन देखो, अभी है टाइम है, मार्केट बंद होते होते 50 पैसे पर वापस क्लोजिंग दे देगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर इसको तोड़ता है तो तबाही बहुत ज़्यादा हो जाएगी दोस्तों। तो ये वापस है जो 50 पैसे पर क्लोजिंग दे देगा, अपन को शांति बना के रखना है। और आज मार्केट में 2 करोड़ शेयर आ गए। माय गॉड, 2 करोड़, और पूरा माल है, लोग घर पर लेके जा रहे हैं। अब अभी अभी क्या अपडेट आया उस पर चलते हैं। देखो, ये एनसी रिसर्च है 29 सितंबर 2022 टेंटनैन। इंग्लिश वाले यहाँ पर रीड कर लेंगे और हिंदी वाले यहाँ पर रीड कर लेंगे, फिर मैं आपको बता दूंगा हुआ क्या है। देखो दोस्तों, इसकी देखो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। देखो, 1 अक्टूबर 2022 से इसकी ट्रेडिंग विंडो है जो क्लोज कर दी गई है दोस्तों। 48 घंटों के लिए 1 अक्टूबर से इसकी क्लोज हो जाएगी विंडो। यहाँ पे देखो, 48 घंटे के लिए इसकी, क्योंकि इसका क्वार्टर रिजल्ट आ रहा है। माय गॉड, यहाँ पे देखो रिजल्ट है, डिक्लेयर है, यानी कि 1 अक्टूबर से इसकी 48 घंटे के लिए एक इनसाइड ट्रेडिंग क्लोज है और इसका क्वार्टर का रिजल्ट आ रहा है। क्योंकि जो कंपनी के आदमी होते हैं, कंपनी में काम करते हुए, वो क्या शेयर को उथल पुथल ना करे, इस वजह से इनसाइड ट्रेडिंग क्लोज की जाती है। यहाँ पर आराम से आप रीड कर लेना। बट यही है कि 1 अक्टूबर में देखो कंपनी की वित्तीय लेनदेन को परिणाम घोषित कर 48 घंटों के लिए इसकी ट्रेडिंग विंडो क्लोज कर दी, क्योंकि इसका क्वार्टर का रिजल्ट आने वाला है। मैंने आपको बोल रहा हूँ पिछले कई दिनों से कि सामने क्वार्टर 2 का रिजल्ट है। तो दोस्तों, घबराने की जरूरत नहीं है, क्वार्टर 2 का रिजल्ट आ रहा है तो उसके तहत भी इसमें अपर सर्किट भागेगा। क्योंकि देखो, यानी कि या तो शेयर रिजल्ट के पहले भागता है, रिजल्ट के बाद में भागता है, बट भागता जरूर है। तो ये डरने की कोई बात नहीं है, इसकी इनसाइड ट्रेडिंग क्लोज हुई है, अपन तो ट्रेड कर सकते हैं बाय सेल। बट जो बड़ी बड़ी हस्तियां होती है कंपनी की, जो आदमी होती है, उनके लिए ये बंद होती है। तो फिर भी देखो, मैं आपको बता देता हूं दोस्तों कि इसके पास में 1 करोड़ का डेप्ट है, बट 5 करोड़ केस है, कंपनी है। तो जो पेनी स्टॉक है, टाइम तो देना होगा भैया, पेनी स्टॉक दर्द तो देती हैं। तो ये जल्दी अपर सर्किट में लोक हो जाएगा। आज भी है जो 50 पैसे पर क्लोजिंग दे देगा, बस क्वार्टर 2 का रिजल्ट आने वाला है इसका, तो आपको वेट ही करना है। क्योंकि बहुत सारे फ्रेंड्स के पास में 2 रुपये में भी ये शेयर है, 2.5 रुपये में भी शेयर है, तो वो लेके फंसे हुए हैं। तो भाई, पिछले 8 महीने से मार्केट गिर रहा है, तो ये भी गिर रहा है, बस यही प्रॉब्लम है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप शांति बना के आपको बस होल्ड करना है। कंपनी की तरफ से और कोई अपडेट नहीं आ रहा है। आज इस वजह से हुआ है क्योंकि इसकी 1 अक्टूबर से ट्रेडिंग बंद है, तो इसकी है ना 48 घंटों के लिए ट्रेडिंग बंद है। तो जितना तांडव होना है मंगल ग्रह का, वो आज ही हो जाएगा और आज ही हुआ है इस वजह से। तो बस अब शांति बना के रखना है, क्वार्टर 2 का रिजल्ट का वेट करना है। आई होप सारी बात समझ गए होंगे दोस्तों। थैंक यू।